पहले कोर्ट की फटकार, फिर सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी और अब रामदेव के प्रोडक्ट पर बैन, जो रामदेव की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। जी हाँ, अब रामदेव की कंपनी के वो प्रोडक्ट बैन कर दिए गए हैं जिनके जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता था, और ये बैन किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी सरकार ने लगाए हैं। सही सुना आपने, बीजेपी सरकार ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बाबा रामदेव और उनकी आयुर्वेद कंपनी पतंजलि लगातार मुश्किल में है, क्योंकि जिन दवाओं से बीमारियों को 100% ठीक करने का दावा किया जाता था, अब वो बैन हो चुकी है। इसलिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि रामदेव की कंपनी के वो 14 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिन्हें बैन किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे स्वसारी कोल्ड की, जो दिव्य फार्मेसी बनाती है। इसी तरीके से स्वसारी वटी, जो दिव्य फार्मेसी बनाती है। ब्रोकोम दिव्य फार्मेसी बनाती है। स्वसारी प्रवाही दिव्य फार्मेसी इसे बनाती है। स्वसारी अवलेह ये भी दिव्य फार्मेसी ही बनाती है। मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर दिव्य फार्मेसी ही इसे बनाती है। इसी तरीके से लिपिडोम दिव्य फार्मेसी की तरफ से बनाया जाता है। इसी तरीके से बिपिग्रिड, जो दिव्य फार्मेसी की तरफ से बनाया जाता है। मधुग्रिड मधुनाशनी वटी, लिवामृत एडवांस लिवोग्रिड, साथ ही साथ आईग्रिट गोल्ड जिसे भी दिव्य फार्मेसी ही बनाती है। इसी तरीके से पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, जिसे पतंजलि आयुर्वेद बनाता है। ये वो प्रोडक्ट हैं जिन्हें उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी बैन कर चुकी है। यानी अब बाबा रामदेव इन 14 प्रोडक्ट को लोगों को नहीं बेच पाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि क्या बाबा रामदेव इन प्रोडक्ट के जरिए सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे थे और सिर्फ अपने फायदे के लिए मार्केट में ये प्रोडक्ट बेच रहे थे, क्योंकि हाल ही में भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को खूब फटकार लगाई थी। वहीं भ्रामक विज्ञापन को लेकर पतंजलि आयुर्वेद ने सार्वजनिक तौर पर माफीनामा भी छपवाया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि बाबा रामदेव सार्वजनिक रूप से माफीनामा छपवाएं और माफी मांगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पतंजलि ने कहा था कि वो एक गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। यानी बाबा रामदेव ऐसी गलती कर रहे थे जो लोगों की जान भी ले सकता था, क्योंकि इन प्रोडक्ट के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता था, लेकिन इन्हें अब बैन कर दिया गया है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के उन दावों पर आपत्ति जताई थी, जिसमें रामदेव ने कहा था कि उनके पास कोविड-19 का इलाज है और पतंजलि की दवाई कोरोना को ठीक कर सकती है। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात पर भी आपत्ति जाहिर की थी कि जब बाबा रामदेव की तरफ से आधुनिक चिकित्सा पद्धति को मूर्खतापूर्ण और दिवालिया विज्ञान कहा गया था। जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जहां भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को खूब फटकार लगाई, वहीं अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने बाबा रामदेव की कंपनियों के 14 प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। अब इन प्रोडक्ट्स को बाबा रामदेव की कंपनी मार्केट में नहीं बेच पाएगी। दरअसल 2022 में IMA ने याचिका दायर की थी, जब यह आरोप लगाया गया था कि रामदेव भ्रामक विज्ञापन के जरिए लोगों में दुष्प्रचार कर रहे हैं और अपनी पतंजलि की दवाई से कोरोना और कई बीमारियों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं, जो कि बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 में सुनवाई के दौरान कहा था कि कंपनी ऐसे भ्रामक विज्ञापन छापना बंद कर दे। साथ ही ये कहा गया था कि वे मेडिकल सिस्टम पर भी बयान ना दे, जिससे लोग अपनी सुविधा के अनुसार इलाज करा सकें और किसी के प्रभाव में ना आए। लेकिन पतंजलि के विज्ञापन पर रोक नहीं लगी। बाबा रामदेव ने 23 नवंबर 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इसमें उन्होंने डायबिटीज और अस्थमा को ठीक करने का दावा भी किया। यही नहीं, दिसंबर 2023 में कंपनी का एक विज्ञापन छपा जिसमें रामदेव और बालकृष्ण की फोटो भी थी। इस पर जज हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने 27 फरवरी को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को फटकारा था और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर जवाब देने को कहा था। साथ ही हाजिर ना होने पर नतीजा भुगतने की चेतावनी तक दी थी, जिसके बाद कोर्ट में रामदेव को जाना पड़ा था। खैर, मामला अभी कोर्ट के अंदर है, लेकिन इन सब के बीच रामदेव की कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स का बैन हो जाना रामदेव को और मुश्किलों में डाल सकता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।